हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडसेंस के लॉगिन में हो रही प्रॉब्लम की। जी हां दोस्तों, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप एडसेंस में लॉगिन करना चाहते हैं और बार बार वही प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं गूगल क्रोम में और जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं उसको हम देख लेते हैं। यहां पर मैंने टाइप किया एडसेंस लॉगिन और यहां पर आ रहा है साइन इन गूगल एडसेंस। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर लिखा आ रहा है, ऐसा लगता है कि यह गूगल खाता किसी एडसेंस खाते से जुड़ा हुआ नहीं है। चिंता वाली कोई बात नहीं है, आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप एडसेंस से जुड़े गूगल खाते से साइन इन करें या फिर आज ही एडसेंस खाते के लिए साइन अप करें। तो इसको यहां से मैं क्लोज कर लेता हूं और फिर यहां पर मैं जाता हूं साइन इन के अंदर और फिर इसे हम साइन इन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, फिर से वही आ गया। तो यहां पर हम चले जाते हैं बैक और बैक जाके हम हमारा जो अकाउंट है जिससे हमने एडसेंस बनाया है उसको यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब फिर से हम जाते हैं एडसेंस लॉगिन के अंदर, लेकिन फिर से वही आ रहा है, आप देख सकते हैं। फिर से मैं जाता हूँ साइन इन के अंदर। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, इसका क्या सॉल्यूशन है वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि बार बार यही पेज आपके सामने आता है। आप जैसे ही साइन इन करने की कोशिश करेंगे आप देखेंगे कि फिर से यही पेज घूम के आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर ये जो राइट साइड में तीन डॉट हैं इसके ऊपर चले जाइए और यहाँ से आपको जाना है सेटिंग के अंदर। जैसे ही आप सेटिंग के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपने जो गूगल क्रोम के अंदर गूगल का अकाउंट डाल रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसको सिंक ऑन लिखा है उसके ऊपर क्लिक करके इसको ऑफ कर देना है और नीचे लिखा है साइन आउट एंड टर्न ऑफ, ऑल्सो क्लियर क्रोम डाटा फ्रॉम दिस डिवाइस, इसको टिक नहीं करना है और यहां से कंटिन्यू कर देना है। अब ये आपको पूछ रहा है कि आप जिस खाते से साइन आउट हो चुके हैं उससे कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर चूज अनदर अकाउंट। तो यहां पर हमें चूज अनदर अकाउंट करना है। अब यहाँ पर आपने जिस ईमेल आईडी से एडसेंस अकाउंट बनाया है उसको आपको सिलेक्ट करना है और यस आई एम इन। यू हैव बुकमार्क हिस्ट्री पासवर्ड अनदर सेटिंग फ्रॉम दैट अकाउंट जो हमने अभी यहाँ पर साइन आउट किया था। तो कंबाइन करना चाहते हैं या अलग रहने देना चाहते हैं, तो इसको यहाँ से मैं कंबाइन कर लेता हूँ और कंटिन्यू। अब यहाँ से हम वापस बैक आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर जाते हैं साइन इन के अंदर। और आप देख सकते हैं कि मेरा जो एडसेंस है वो लॉगिन होने वाला है और आप देखिए मेरा जो एडसेंस है वो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर थ्री डॉट पर जाकर मैं डेस्कटॉप वेबसाइट भी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा जो इंटरफेस है वो दिखाई दे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके जो एडसेंस लॉगिन की प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व भी हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और अगर आप YouTube या एडसेंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत सेना।